कैसे पुकारे नाभाजी उस भयानक जंगल के अंदर अकेले नाभाजी जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैया 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 कहते वो बालक उसके प्राण सूख रहे हैं, ना जाने कितने दिनों से उसने पानी भी नहीं पिया। लेकिन कहते हैं जो चोट प्रभु देता है उसका उपचार भी प्रभु स्वयं करते हैं, उसका उपचार भी स्वयं प्रभु करते हैं। जैसे ही नाभादास जी को विश्वास हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया कि मैया मुझे इतनी देर छोड़कर के कहीं नहीं जा सकती। मैया को चिंता होगी कि न जाने कोई पशु आकर के मुझे कोई हानि ना पहुंचा दे, कोई चोट ना पहुंचा दे, मुझे अपनी भूख का ग्रास ना समझ ले। मैया इतनी देर मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। उसे पक्का विश्वास हो गया कि मेरी मैया के साथ कोई होनी घट गई है। इसी के साथ साथ नाभादास जी अपनी मैया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मैया तेरा शुक्र है, एक काम तू जाते जाते बहुत अच्छा कर गई, तू जाते जाते मैया एक मुझ पर उपकार कर गई, तेरे ना जाने कितने उपकार मुझ पर, लेकिन जाते जाते एक उपकार और कर गई मैया तू। यदि मुझे तू गांव में छोड़ करके जाती, मुझे किसी व्यक्ति पर आस होती, किसी जीव पर आस होती, यहाँ तो दूर दूर तक मैया कोई जीव नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी जीव पर आस नहीं है, किसी प्राणी पर आस नहीं है, केवल आस है तो अब जगदीश की है, वही मेरे पालनहार है, उनको पुकारने के सिवा अब मेरे पास और दूसरा कोई चारा नहीं है। तो नाभादास जी अपने प्रभु को, अपने हरि को, अपने सद्गुरुदेव भगवान को पुकार रहे हैं। आइए आप भी पुकारिए। यदि आपके जीवन में अभी गुरुदेव भगवान प्रकट नहीं है, आपके जीवन में यदि अभी सद्गुरुदेव भगवान नहीं आए हैं, तो इस भाव के माध्यम से विश्वास कीजिए आपके सद्गुरुदेव भगवान जहां भी होंगे आपको अपने श्री चरणों में लगाएंगे। लेकिन भाव के साथ कहिए प्यारे,